क्योंकि विचार पैदा होते हैं आपके मस्तिष्क में, मन से, और भावनाएं मस्तिष्क का विषय नहीं, मन का विषय नहीं है, वो हृदय का विषय है, हृदय। और इसीलिए आप अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, और वो शब्द कान के द्वारा सुनाई पड़ते हैं। और भावनाएं, भावनाएं शब्दों से अभिव्यक्त नहीं होती है, भावना निकलती है हृदय से और सीधे हृदय में रिसीव होती है। ये अद्भुत है ना, हृदय से भावना निकलती है और सामने वाले के हृदय उसको ग्रहण कर लेती है। और विचारों से पहले, मतलब आप शब्द बोलेंगे उसके पहले पहुंच जाएगी भावना, इतनी तेज है ये, इतनी तेज है, वो समझ जाएगा। आप बोलेंगे आइए स्वागत है, वो है, आप बोलेंगे, लेकिन भावना कहीं उनके प्रति दुर्भावना है उनको पता चल जाएगा, शरीर से पता चलता है, आँखों से पता चलता है, पूरे शरीर से, आपके हर एक्टिविटी से, आपकी आवाज़ से। कितना दबाओगे भावनाओं को, दबा नहीं सकते आप, वो निकल जाएगा, आवाज़ से निकल जाती है, मतलब एक्शन में आएगा ना, एक्शन में दिखाई देगा, वो करुणा है दिखाई देगा, प्रेम है दिखाई देगा, वैर है दिखाई देगा, घृणा है दिखाई देगा, बिना बोले, बिना बोले। उसी को कहते हैं ना आजकल बॉडी लैंग्वेज, एक होता है वर्बल लैंग्वेज, दूसरा होता है बॉडी लैंग्वेज। मेरा मतलब है कि जब आप बोलते हैं तब आप बोलते हैं, और जब आप नहीं बोलते हैं तब तब भी बोलते हैं, बोलते हैं। अब पूछता हूँ थोड़ा, आँखों से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब तो समझ आ रहा है ना, आँखों से बातचीत होती है, बहुत बात होती है आँखों से, हाँ, चेहरे की व्यंजना, हाथ कैसे निकलते हैं, भाव जगत से, भाव से। आँखों को तो कहते हैं आत्मा की खिड़की है, आँखें आत्मा की खिड़की है। एक नेपोलियन हिल, उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी आँखों के रास्ते से आपके हृदय तक पहुंच जाते हैं और वहाँ छिपे हुए गुप्त विचारों को पढ़ लेते हैं। क्या कहा, आँखों के रास्ते से कहाँ पहुँचते हैं, हृदय में, और वो जो छिपे हुए हैं ना भाव, उसको पढ़ लेते हैं। कितनी बार ये उदाहरण देता हूँ मैं, ये अमेरिका उत्तरी वर्जीनिया की बात है शायद, ठंड का मौसम था, नदी बह रही थी, एक आदमी बुजुर्ग था, इतनी ठंड, पानी वैसे ही, और वैसे भी नदी थोड़ी सी पार करने जैसी नहीं थी, सोच रहा था कोई सवारी मिले उस पर नदी पार कर जाऊं, कोई दिख नहीं रहा था, 5 घुड़सवार दिखे, तो ये लगा कि इससे ये लोग मुझे पार करा देंगे। पहला घुड़सवार आया, उनको देखा, जाने दिया, दूसरे को आया, दूसरे आया, देखा, जाने दिया, तीसरे को जाने दिया, चौथे को जाने दिया, 5वें को देखा अंत में, और क्या कहता है, आप मुझे नदी पार करा देंगे घोड़े पर बैठा कर? उसने कहा हाँ बेशक, आओ। घोड़े पर बैठा है, पार करा दिए, उतरे, उसको उतारते हैं तो घुड़सवार ने पूछा, नदी तो पार करा दिया लेकिन एक प्रश्न है मन में, मेरे पहले 4 घुड़सवार गए, उन्हें आप क्यों नहीं कहे? तब बुजुर्ग ने क्या कहा, वो जो 4 घुड़सवार गए ना, मैंने उनकी आंखों में देखा, क्या वो मेरा सहयोग करेंगे?
और आँखों से पता चला कि वो मेरे सहयोग करने वाले नहीं हैं, वो नकार देते हैं, लेकिन आपकी आँखों में देखा तो मुझे लगा आप मुझे पार करा देंगे, और आपने पार करा दिया। उन्होंने कहा आपने जो कहा मेरे लिए आपको धन्यवाद। और जानते हो कौन था? थॉमस जेफरसन वहाँ का राष्ट्रपति था उस समय। कहते हैं वो घुड़सवार मुड़ा और व्हाइट हाउस के लिए चल पड़ा। मैंने पढ़ा कमाल है, आँखों से कब तक छिपाओगे भाव को? मैंने कहा ना करुणा हिंसा सब प्रकट हो जाती है। बहुत पहले यही उदाहरण दिया था, अब कई बार दिया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाना चाहते थे, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो चुकी थी, उनकी सहधर्मिणी माँ शारदा थी, किचन में काम कर रही थी, रसोई में आज्ञा लेने गए अनुमति, जाकर कहते हैं प्रणाम करते हैं मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ आपकी आज्ञा हो। अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? स्वामी जी ने कहा अरे एक प्रेम का संदेश देना था अमेरिका वालों को, इसलिए जाना था। अच्छा अच्छा वो छुरी है ना उसको ले आओ, तो थोड़ा किचन में काम करे तो छुरी ले आओ पहले। छुरी लाते हैं और छुरी जब वो माँ शारदा हाथ में रखती है तब क्या कहती है? ठीक जा सकते हो अमेरिका। क्या कहते हैं? क्या कहती है? अमेरिका जा सकते हो। स्वामी जी ने कहा क्या ये छुरी देने और आशीर्वाद देने में कोई संबंध है? माँ शारदा ने कहा हाँ मैंने जाम की छुरी मंगाया था संबंध है, क्योंकि तुमने जब छुरी मुझे दी तो जो धार का हिस्सा था उसको तुम पकड़े थे, जो बेंट वाला हिस्सा था वो मुझे पकड़ा है। इसका मतलब है तुम्हारे मन में यह भाव है कि दूसरों को कष्ट न हो, दूसरों को चोट न पहुँचे। ये जो करुणा का भाव है ना, ये तुम्हारे में है और प्रेम का भाव है ना, इसलिए जाओ अमेरिका जा सकते हो। सोचो हम लोग का क्या होता उसमें, देख पाते क्या लगता है इधर? अब ज़्यादातर तो हम लोग बेंट से ही पकड़ते, सही है ना, बेंट से ही पकड़ते। उनको चिंता कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूँ और उसके धार की तरफ से पकड़े और उसको चोट ना लग जाए, कट ना जाए। ये भाव हमारे व्यवहार में टपकते, आप चलेंगे तो पता चलेगा, बोलेंगे तो पता चलेगा। आप बताओ घर में रहते हैं, पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, सास बहू हैं, पिता पुत्र हैं, किसी दिन आप उदास और खिन्न हो जाओ, सही है ना? घर वालों को पता नहीं चलेगा? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा खुश रहते हैं तो पता चलता कि नहीं चलता है? बोल तो नहीं रहे हैं। सुबह उठो, एक आदमी सुबह घर में उठा और एक किनारे जा कर के गुम सुम बैठा, मुंह फुलाए हुआ एकदम तना हुआ, कुछ नहीं बोल रहा है ना, कुछ नहीं बोल रहा है। अब काफ़ी देर हो गई, घर के किसी ने कहा अरे जाकर के स्नान वगैरह कर लो, मैं नहीं करूँगा। अरे ठीक है, फिर समय बीता, अब सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, जाके नाश्ता कर लो, मैं नहीं खाऊँगा। कौन सा संदेश दे रहा है वो? कौन सा वाइब्रेशन निकल रहा है? तरंगे निकल रही हैं उससे? क्या तरंगे? समझ रहे हैं ना, ऐसी तरंगे, विषैली तरंगे, वो विषैली तरंगे पूरे घर के वातावरण को विषाक्त बना दिया है। और क्या कहेगा वादी? मैंने तो कुछ नहीं बोला आपका न बोलना ही जहर हो गया है, सच है ना? मैंने पढ़ा है ये जब घर में माताएं ना जिस दिन मौन हो जाती ना चुप, उस दिन घर की आवाज़ 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे? फाटक की आवाज़ बढ़ जाएगी, बर्तन की आवाज़ बढ़ जाएगी, बच्चों को थप्पड़ ज़्यादा लगने लग जाएगा मतलब अंदर से कितना बोले चली जा रही है, बाहर से है मुंह सिला हुआ ना, और भीतर वाला कितना द्वंद्व,
कितना प्रकट हो रहा है, उस चेहरे से ही पता चल जाता है। मैं कितनी बार कह रहा हूँ, ये बाहर का परिवर्तन नहीं, इनर कन्वर्शन, धर्म और साधना है आंतरिक परिवर्तन, और ध्यान है आंतरिक परिष्कार। भीतर के कलमस की ऐसी सफाई हो जाए कि हम हमारे सारे कार्यों में समता भाव प्रकट हो जाए सब जगह। यहाँ तक कि केवल वो नहीं है कि आप व्यक्ति के साथ में, महाकवि रिल्के विदेश के ख्याल आया, उनके मित्रों ने कहा, लिखा कि जब रिल्के अपना जूता उतारता था ना, तो जूते को ऐसा रखता था जैसे वो जीव है, कोई कोई प्राणी है। कपड़े को ऐसे उतार के रखता था जैसे कोई वो जीता जागता कोई प्राणी है, बड़े संभाल करके। अपनी छड़ी, अपना छाता बहुत आहिस्ते से रखता था। और कहते हैं जब वो घर में भी प्रवेश करता था, इतनी सावधानी और शालीनता से चलता था मानो उनके तीतर बितर अस्त व्यस्त चलने से घर को चोट न लग जाए। मैं पढ़ा, मैंने कहा गजब लगा मुझे, कैसे लोग अपने को साधे होंगे। और हम लोग को देखो, देख के ही पता चल जाएगा सांड आ रहा है सही है ना? मतलब कैसा जीवन है, बेतरतीब। और क्या कह रहा है मैं मोक्ष पथिक हूँ। मुझे लगता है आदमी के जमीन के पथिक बन जाओ पहले इस जमीन पे चलने लायक बन जाओ, मोक्ष की पथिक जाना बहुत आगे की बात है। अभी तो बोलना भी नहीं समझ पाए कि कैसे कटुता निकल रही है मुंह से, किसके प्रति? अपनों के प्रति, समझ रहे ना? देखिए, अपनों को कभी कभी सिखावनी, कभी कभी कुछ सुझाव में कहना पड़ता, और कभी कभी घर का बुजुर्ग है, थोड़ा से शब्द भी थोड़ा सा कड़े कहना पड़ता है, लेकिन इंटेंशन अहित नहीं है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। माँ भी कई बार बच्चे को थप्पड़ मार देती है, लेकिन थप्पड़ का मतलब उन्हें दुख देना नहीं है। गुरुदेव जी कहते थे बच्चे को जब माँ थप्पड़ मार देती है और रो रहा है बच्चन किनारे खड़ा होकर के बैठ करके, क्योंकि माँ ने मारा है, अच्छा तो बच्चा देखता किसको है? माँ को देखता है समझ रहे ना? थप्पड़ मारी लेकिन प्रेम कौन करने वाली, गोद में कौन उठाएगी? वही माँ, समझ रहे ना? थप्पड़ भले मारी है लेकिन वही मुझे प्रेम देने वाली भी, इसलिए बच्चा उन्हीं की ओर फिर देखता है। तो ये क्या है, ख्याल आया, कह दूं मैं, एक लेखक है जीन पियागेट, बच्चों के विषय में पूरा एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है जीन पियागेट। उसने क्या लिखा है कि माँ और बच्चे के बीच ये भावना की बात आई, तो अभी ऐसे ऐसे उदाहरण और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं वो मैं पढ़ता हूँ तो वो पता नहीं कहाँ जा कर के वो धंस गया है, वो निकलना चाहता है। तो जो जीन पियागेट उसने क्या लिखा है कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वो तो दिखाई देता है, सेवा करती दिखाई देता है, लेकिन माँ से बच्चे की तरफ कुछ और चीज़ है जो बहता है, वो दिखाई नहीं देता है, समझ रहे ना? बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयोग 40 साल तक किए, तब वो पुस्तक लिखे उन्होंने रिसर्च करके, बच्चे को माँ से अलग कर दिया गया, दूध दिया गया, सेवा हो गई, लेकिन बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ, कुछ और चाहिए। जब दूध पिलाती उस समय माँ के भीतर से कुछ ऐसी चीज निकलती, इमटेरियल, अभौतिक, पदार्थ नहीं होती है, लेकिन वहाँ से एक धारा बहती है, एक स्नेह और प्रेम की। अब प्रेम को कोई नापने जाए, अच्छा दिखाओ कहाँ है कहाँ करके, वो पता चलेगा, लेकिन वो बच्चे को पोषण देता है। ये समझ, देखो साहब हम समझ नहीं, क्योंकि हम लोग क्या मानेंगे, वो तो दिखाई नहीं देता, बेकार की बातें करते हो। ये जो भावनाएं हैं ना कैसे काम करती है, माँ घर में है और बच्चे खेल रहा हो, समझ रहे हैं? बच्चे खेल रहा हो
लेकिन बच्चे को पता है कि माँ है, बस ये पता होना कि माँ है इसका मतलब माँ के तरफ से कुछ बहता है बच्चे की तरफ से और वो महसूस करता है, उसी कहते मदरहुड, मातृत्व। मातृत्व वो जो स्नेह है। और मैंने ये भी पढ़ा है, एक बार बच्चे जहाँ पर अनाथालय कहीं था जहाँ पर बच्चों को पालना हो रहा था, कई सौ बच्चे थे, तो कोई इन्फेक्शन था, कोई वायरस का प्रॉब्लम था, तो निर्देश दिया गया बच्चों को छूना नहीं है, जो छूते हैं वहाँ पर बीमारी चली जाती है, छुए ना, बस केवल उनको सेवा कर दे, दूध पिला दे और बाकी कर दे, लेकिन उसको कोई छुए, गले लगाए, उसको छूमे नहीं, सब मना कर दिया। धीरे धीरे बच्चे और बीमार पड़ गए, कुछ बच्चे मर गए। रिसर्च हुआ क्यों ऐसा हुआ, पता चला बच्चे को अपने गोद में लेना, सीने से लगाना, ये बच्चे को जिंदा रखता है, ग्रोथ करता है। जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि मतलब जो अदृश्य शक्ति है ना, अदृश्य जिसे कहते हैं, वो इतना कारगर है कि आप उसे, जैसे मैं पूछूं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, अच्छा दिखाई देती है, नाप के बताओ, तो कभी नापा गया है कि नहीं, अच्छा छत पर चले जाना और दोनों पैर को बाहर कर देना, करना मत नहीं कहेंगे कि साहब ने कहा था। क्या होगा, क्या होगा, बस कौन खींचेगा उसको, जमीन, ग्रेविटेशन आफला, वो नियम है खींचने का, खींचने का। एक बात और आ गई, सीमन वेल, उसने एक पुस्तक लिखी है ग्रेस एंड ग्रेविटी, ग्रेस एंड ग्रेविटी, क्या लिखती है वो, जैसे पृथ्वी अपने तरफ चीजों को खींचती है वैसे ही परमात्मा लोगों को खींचता है। किसके आधार पर, शुद्धता और अशुद्धता, ग्रेविटेशन, विषाद से भरा चित्त होगा वो नीचे की ओर जाएगा, लेकिन पवित्रता और कृतज्ञता के भाव से, अहो भाव से भरा होगा वो परमात्मा खींचता। परमात्मा मतलब व्यक्ति मत मान लेना, अब इसकी व्याख्या करने का समय नहीं है, नहीं बता तो व्यक्ति नहीं है, पूरी यूनिवर्स का एक पावर है, शक्ति है। जैसे फूल खिलता है ऊपर की ओर और मुरझाता है, तब जब हम जिंदा हैं आकाश की ओर, और मर जाएंगे तब जमीन में, सही है कि नहीं है, कौन खींच रहा है, कुछ है ऊपर खड़ा किया हुआ है, वो एक शक्ति है पूरा यूनिवर्स का, जिसको लाओत्ज़े ने क्या कहा है, क्या नाम दिया है उसको, ये पूरा यूनिवर्स का एक शक्ति है, इटर्नल पावर साहब ने लिखा है ना, इटर्नल पावर, अंदर आंतरिक शक्ति है पूरी यूनिवर्स में, भले दिखाई नहीं देती है। कैसे फूल खिल जाते हैं पूरे कुदरत से, कैसे हो जाता है, ये प्रकृति का एक सिस्टम है। तो वो जो ग्रेस इन ग्रेविटी जो कहा है, वो विषाद से भरा चित्त कभी साधना नहीं कर सकता है, कृतज्ञता से भरा हो, अहो भाव से भरा हो, तभी तो साधना है। और जिसका मन खिन्न, उदास, किसी के प्रति बैर भाव, नफरत, ध्यान लगेगा, लगेगा ध्यान, ऊंचाई में उठ पाओगे। पहले सफाई करो अंतस की, अंतस की, तब जा करके वो स्थिति बनती है। तो समय खाता में बात ये हुई थी कि कैसे हो, छोड़ो सारी बातों को एक तरफ रखते हैं, प्रेम और मैत्री कैसे विकसित करें, कृतज्ञता। एक पुस्तक मैंने पढ़ी है, जादू मैजिक, रांडा बरने के, उस पूरी पुस्तक में एक ही विषय पर कहा गया है, कृतज्ञता, कृतज्ञता, बस पूरी पुस्तक में कमाल की वो बात लिखती है, कैसे धन्यवाद का भाव आपके भीतर, जो रिसेप्टिविटी है, ग्रहणशीलता कैसे, और नहीं, और जब आप अकृतज्ञ, कम है, कम है, मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, सिकुड़ गए, उनका कहना सिकुड़ जाते हैं कम कम कहने से, कम है मेरे पास, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा आप रोना रोते हैं ना, तो क्या होता है, बाइबिल में एक वाक्य आया है, जिसके पास है उसे और दिया जाता जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाता है जो उसके पास है, उलटवासी, फिर से कह रहा हूँ, जिसके पास है उसको और दिया जाता है,
और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाता है। क्या है? दो ढंग से कह सकते। एक है संतोष, मुझे मिला पूर्ण, सब कुछ मिला है ऐसा संतोष, और मिलेगा। और क्यों? आप ग्रहण आपो हो गए, बिल्कुल खिले हुए हैं, और नहीं है, नहीं है, सिकुड़ गए, नहीं मिलेगा फिर। या फिर कृतज्ञता, मैं उस योग्य ही नहीं हूँ जितना मुझे मिल रहा है। कई बार मैंने सोचता हूँ, बैठता हूँ, जाता हूँ कहीं, कोई आया, इतना पैसे, इतना सामान, इतना, मैंने कहा क्यों इतना देते हो, क्या है आखिर में? कई बार मैंने अकेले बैठ के सोचा, मेरा कुछ भी योग्यता नहीं है, इतना लोगों द्वारा मिलता कैसे है? और कई बार मैं बैठ के धन्यवाद धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, और सचमुच वो तो और जैसे कोई लगता है, जैसे कोई आ रहा है आ रहा है, कभी लगता ही नहीं है कि कोई चीज़ कम है, पूर्ण पूर्ण बहुत कुछ है। ये जो पूर्णता का भाव जगे, कृतज्ञता का भाव, अब कृतज्ञता के लिए और विस्तार से, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, पूरे यूनिवर्स के प्रति, ये अलग है। लेकिन उसका उल्टा होता है कृतघ्नता, अकृतज्ञता। नहीं, कृतज्ञता का भाव जगे, धन्यवाद का भाव जगे, आभार निकले। रोज भोजन करते हैं, सरल है, हम जिंदा हैं, ये कोई छोटा मोटा चमत्कार लगता है आपको, जिंदा रहना इस पृथ्वी के अलावा, फिर से कह रहा हूँ, इस धरती के अलावा करोड़ों 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 किलोमीटर दूर तक इतना बड़ा पौधा नहीं पाओगे। पाओगे इतना बड़ा पौधा? क्यों? केवल पृथ्वी में एक ऐसी व्यवस्था है जो पौधा को जीवित रख सके। एक आदमी नहीं पाओगे, वो तो आए हैं मंगल ग्रह तक के, या देखा है, मतलब फोटो तो खींच लिए हैं, चंद्रमा तक तो पहुंच ही गए हैं, कितना ले आए, कितने आदमी हैं वहाँ, और चंद्रमा नहीं, कई चंद्रमा चले जाओ आदमी नहीं मिलने वाला है। होगा, देखो मैं एकदम से नहीं कहता भाई, पता नहीं क्या है, लेकिन अभी तक जो सर्च है कहीं नहीं मिला है। इस पृथ्वी में वो स्थिति है। धन्यवाद दिए? धन्यवाद दिए कभी? सूर्य का ठंडा हो जाना, हम सब मर जाएंगे। और पहले इसीलिए सूर्य के लिए प्रति आराधना, पेड़ पौधे जो हमें निरंतर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पीपल कहो, ये लोग ज़्यादा देते हैं, पीपल और बरगद के ज़्यादा पेड़ देते हैं, इसलिए उनके प्रति पूजा। लेकिन अब तो मैकेनिकल हो गया है, जाओ धागा लपेटो पूजा कर लो। अरे नहीं, बस एक भाव जगे प्रकृति के प्रति, जिसके नाते मैं जिंदा हूँ, किसानों के प्रति कृतज्ञता, जो रोज़ भोजन दे रहे हैं, व्यापारियों के प्रति जो हमें सामान दे रहे हैं, घर वालों के प्रति, संतों के, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव जब जगेगा, शिकायत होगा? आलोचना होगी? ये सारा शिकायत खत्म हो जाएगा, करके तो देखो, शिकायत ही नहीं रही। अपने बच्चों के प्रति, जिन बच्चों के लिए तरस रहे थे, ख्याल करो, कई लोग कहते हैं एक बच्चा तो मिल जाए, जिनके बच्चे नहीं हुए, 8 साल 10 साल शादी हुए, 15 साल शादी हो गए, क्या कहते हैं, एक बच्चा तो आ जाए, भले लंगड़ा पैदा हो। ये तो नहीं कहेंगे कि कोख नहीं खुला कह के, बंधिया तो नहीं कहा जाएगा, बस कुछ प्रकार बच्चे हो जाए। और जिसके बच्चे हो, क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ तू मेरा गर्भ में आ गया। कहते हैं ना, तू ना होता तो ही अच्छा था। उन बच्चों से लड़ रहे हैं, क्यों? शांत नहीं हो सकते हो? कैसा जीवन है ये, कैसा जीवन है ना, अद्भुत। तो इसको पलट दो, यही बदलना, कॉन्सेप्ट बदलना है। अब क्या करना है? धन्यवाद धन्यवाद, ये भाव जगे। थोड़ी देर बैठें, एक काम करते हैं, कैसे आप सुबह उठ करके प्रेम और मैत्री की साधना कर सकते हैं, धन्यवाद की साधना, जैसे नींद खुले आभार। सबसे पहली बात तो जो करना चाहिए, इष्ट के प्रति अभिवादन, जो कर सकते हैं, जैसे नींद खुले, जो भी आपका इष्ट हो, चाहे वो हो या ना हो, हो सकता है उनका शरीर ना हो, कोई भी, जिनको मानते, जिनकी याद से आपके भीतर पवित्रता का भाव जग जाता है, विनम्रता का भाव जग जाता है, एक ऐसे कोई तो है आपका इष्ट, कोई तो महापुरुष, कोई तो गुरु है,
या कोई तो भगवान है जिनको मानते हैं आप, कोई सदगुरु है, उनके प्रति अभिवादन, चाहे बंदगी करो चाहे कुछ भी करो, मतलब आप फ्लो सुबह सुबह अपने को एक सही दिशा की ओर प्रवाहित करना है, मतलब जीवन को दिशा देना है सुबह से ही, क्योंकि दिन की शुरुआत हो रही है। फिर क्या करना है, फिर अपने से कहना है आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है, यही चाहते ही हैं, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, ये कुछ ऐसी बातें कहें। फिर यदि समय हो तो थोड़ा कर सको तो अच्छा ही है, सबके प्रति प्रेम प्रेम प्रेम, मैत्री मैत्री मैत्री, ऐसा लगे जैसे कोई धुआं उठता है ना, धुआं ऐसी चीज निकल रही ना, कोहरा शरीर के कोहरा, ऐसी कल्पना करो कि आपके भीतर से प्रेम की तरंग फैल रही है, घर वालों की तरफ प्रेम का स्पर्श हो रहा है, वो तरंगे जा रही है और दूर तक के और दूर तक के, जैसे कोई यहाँ पर धुआं उठा और उसको फूंकते जाओ फैलेगा ना, फैलेगा वो चारों तरफ, ऐसे ही अंदर से एक वाइब्रेशन क्रिएट करो, प्रेम 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 प्रेम, अंदर अंदर आवाज़ की भी जरूरत नहीं है, वो एक ऐसी तरंगे होगी भीतर से, प्रेम प्रेम मैत्री 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 मैत्री, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव सबके प्रति, और कल्पना करो सब तरफ फैल गया है, सब तरफ फैल गया है, क्या होगा इससे, सबके प्रति धन्यवाद 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 आभार, ये भाव आप फैला रहे हैं, क्या होगा इससे जानते हो, आपके भीतर की कैसी स्थिति होगी, आपके भीतर तो पहले समा गया, आप प्रेम में जी रहे हैं, किस वहां तक पहुंचा या न पहुंचा ये सेकेंडरी है, आप तक तो है ना, आपने जिसको क्रिएट किया है, जहां से प्रेम पैदा हुआ है, वहां कितना सुकून मिलेगा करके तो देखो, इसके उल्टा घृणा दुश्मनी, सुबह उठे उसके प्रति बैर, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, आज मैं उसका बदला लेके, अब देखो भाव बैर चका क्या हुआ, एक है करुणा का भाव, दूसरा है घृणा का भाव, इट कास्ट नथिंग टू बी काइंड्स, ईसा ने कहा है, किसी ने कहा है शायद करुणा में काइंड, अर्थात करुणाशील होने में, दयालु होने में कोई खर्च नहीं लगता, कास्ट नथिंग, कोई कीमत नहीं लगता, लेकिन घृणा करने में अपना भयंकर नुकसान, नफरत करने में भयंकर मानसिक जहर है, और जहर हम पीते रहते हैं, भाव शुद्धि करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होने वाला है ये, साधना से विकसित करो, अपनों के प्रति शुरू करो, अपनों से शुरू करो, घर वालों से शुरू करो, जिनके साथ रहते उनसे शुरू करो, फिर जिनके प्रति लगता है उसने मन में थोड़ा खटास है वहीं से भेज दो, मुझे क्षमा कर दो, आपके प्रति प्रेम है, देखो पहुंचना नहीं अलग विषय हुआ, वो अलग विषय है कि वो रिसीव किया कि नहीं किया, रिसीव तो तब होगा जब वो उस फ्रीक्वेंसी में हो, जैसे मैंने कहा ना टीवी खोलोगे तब तो पता चलेगा, हो सकता है वो आने ना किया हो, लेकिन जब वो उस फ्रीक्वेंसी में होगा वो पहुंच जाएगा, मैसेज होगा तब, इसलिए अपना काम करो, से समय है साधना में लगाएं और कल्पना करें सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव, सबके प्रति धन्यवाद 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 भाव करो, सब बैठो आंखें बंद करो, प्रवचन बंद, आंखें बंद करो, पवित्रता का भाव, निर्मलता का भाव, शुद्धता का भाव, अंतस को शुद्ध करो, भाव भक्ति कर मन ही रिझैबे, इत उतना भरमैबे, साहब ने कहा है अंतस शुद्ध करैबे, अंतस शुद्ध रहैबे, मैं अपने अंतस को शुद्ध करूँगा, अब हम संतन के ढीक जाइबे, इसी माया है अंतस शुद्ध करैबे, अंतस को शुद्ध करना है, सारे कचड़े बाहर,
आपको कचड़े बाहर करने की भी ज़रूरत नहीं है, पवित्रता ले आओ बस, धुलाई हो जाएगी। प्रेम और मैत्री का भाव जगाओ, क्षमा का भाव जगाओ, धन्यवाद धन्यवाद कृतज्ञ आभार भार आभार धन्यवाद का भाव, सबके प्रति धन्यवाद। मेरी आँखें हैं धन्यवाद धन्यवाद, दोनों पैर सही हैं धन्यवाद। बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनकी आँख नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, बोल नहीं सकते, मेरे पास है। परिवार नहीं है, मकान नहीं है, मेरे पास है। धन्यवाद धन्यवाद। कईयों के पास ठीक से कपड़े नहीं हैं, मेरे पास है। धन्यवाद धन्यवाद। आमदनी का सोर्स नहीं है, मेरे पास है। धन्यवाद धन्यवाद। सबके प्रति आभार। मेरा परिवार है, अपनों के साथ रहता हूँ, उन परिवार वालों के प्रति धन्यवाद धन्यवाद। कईयों के माता पिता स्वर्गीय हो चुके हैं, आपके माता पिता हैं। धन्यवाद धन्यवाद आभार। गुरु का ज्ञान मिला, उस ज्ञान के लिए, उस ज्ञान दाता के प्रति आभार आभार धन्यवाद धन्यवाद। उस व्यवस्था के प्रति जहाँ मैं साधना कर रहा हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।